रिपोर्ट आ गया, कहां खड़े होकर के मांग, कोई शर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं, उल्टा चोर जो है कोतवाले को डांट रहा है। ये स्थिति बनी हुई है, तो क्या कहना महोदय इन लोगों का, इनको येदुरप्पा, हेमंत बिस्वा, नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी, फल्ला चिल्ला, इन लोगों को नहीं नजर आता है। अब एकदम इनके पास तो वॉशिंग मशीन है ना, तुरंत आइए अपना दाग मिटाइए एकदम चकाचक, यही काम में लगे हुए। तो खैर, ये जहां जांच करनी चाहिए अदानी साहब की, वहां हिम्मत नहीं है। पता ये पार्लियामेंट में बताइए लाइन काट दिया, ये इतना मिनट तक जो है साइलेंट रहा सब, विपक्ष की आवाज को जो है वहां भी दबाने की कोशिश की जा रही है, क्या हो रहा है? तो आप देखिएगा महोदय, हम गरीबों को आगे बढ़ाएं तो भ्रष्टाचार, वो अमीरों को भगाए तो शिष्टाचार, यही फर्क है। हम लोग गरीब को आगे बढ़ाने में लगे हैं तो भ्रष्टाचार हो जाता है, वो लोग विजय जी, माल्या जी, नीरव जी, चौकसी भाई और भी पता नहीं कौन कौन कितना लोन लेके भागा, अमीरों को भगा दिए तो शिष्टाचार हो जाता है। वाह भाई, तो इस तरह का तो काम ही लोग करते हैं, नकारात्मक राजनीति करते हैं। हम लोग विकास के साधक है, वो लोग जो है बाधक है, कोई काम नहीं होने देना चाहता है वो लोग। लेकिन उन लोगों से कहने से क्या होगा, हम लोग तो स्पेशल पैकेज के लिए लगातार हम लोग जो है मांग कर ही रहे, और लेकिन देना नहीं देना वो तो केंद्र सरकार के हाथों में है, उनको निर्णय लेना है। तो महोदय ये लोग ज्यादा कुछ है नहीं, फिर कल हमको बोलना ही है स्वास्थ्य विभाग पे, तो ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे हम। पुनः विभाग के सभी अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मी, जितने हमारी अभियंता हैं, इंजीनियर्स हैं, उनको धन्यवाद देते हैं और उनसे यही उम्मीद करते हैं कि ईमानदारी से आप अपने वक्तव्य को प्रोसीडिंग का हिस्सा बनवा दीजिए। नहीं हो गया महोदय, और बाकी हम दिलवा देते हैं, और ज्यादा कुछ नहीं। अंत में माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं और आप सभी सदस्य को हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोग हम लोगों का बल है, असली ताकत आप लोग हैं, आप लोग मजबूत रहते हैं, हौसला बढ़ाते हैं, हर एक परिस्थिति में आप लोग खड़े रहते हैं तो लड़ने का साहस और बढ़ता है। शकील साहब आप, वाह, आप जो शायर शायरी जो किए, हम भले ही छोटे हैं लेकिन आपने जो हौसला अफजाई किया इसके लिए आपको भी धन्यवाद। और माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि ईमानदारी से अपने काम को जो है हम लोग करेंगे, जनता के प्रति बिहार को आगे बढ़ाएंगे।